नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। घंटी बजाओ में एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात पर आई कुदरती आफत की। इन दिनों राज्यों में पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस बाढ़ में क्या गांव और क्या शहर सब डूबे हुए हैं, तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के विदर्भ की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर ये सवाल उठता है कि क्या मुश्किल में फंसे लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। आखिर कहां है वो सरकार जिसे इस मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। आसमान से ली गई तस्वीरें इस बात का सबूत है कि सूरत पर कितनी बड़ी आफत आई हुई है। तापी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण उकाई डैम का जल स्तर भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उससे पानी छोड़ना जरूरी हो गया। लगातार दो दिनों तक डैम के गेट खोले जाने के कारण तापी नदी उफान पर आ गई और इसका असर अब शहर में भी दिखने लगा है। रिवर फ्रंट तो नदी के पानी से भर ही गया, आसपास की झुग्गी बस्तियां भी जलमग्न हो गई। बाढ़ का पानी सूरत की सड़कों पर भी भर चुका है। ज्यादातर रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि इस हालत के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गई। क्या गुरुजी, चल रहा है जैसे ही, जैसे भगवान का दुआ वैसे ही चल रहा है। एक टाइम खाता हूँ, एक टाइम नहीं खाता हूँ, क्या करूँ। यहाँ जो बिल्डर है कभी भी यहाँ आता नहीं है, देखता नहीं है। हमारा यहाँ कभी काम नहीं करता है, बोलता दो दो महीना में कर देता हूँ, पूरा करता हूँ, कुछ करता ही नहीं अभी तक। ब्रिज बनाने को भी बोला था, वो भी कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। आपको ब्रिज बना के देगा, रोड बना के देगा, लेकिन कुछ अभी तक किया नहीं है और आता भी नहीं है यहाँ देखने के लिए कि क्या हुआ, तकलीफ क्या है। सैलाब के सितम की ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बुलढाणा की है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में ज्यादातर खेत पूरी तरह डूब चुके हैं। विदर्भ में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अभी हम बुलढाणा जिले के पूर्णा नदी है, जहाँ पर है वो पूर्णा नदी है। अभी भी यहाँ पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बना हुआ है और बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद तहसील का संपर्क अभी भी कटा हुआ है। बुलढाणा जिलों में अभी तक 410 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभी भी पूर्णा नदी उफान पर है, कई किसानों की खेतियाँ पानी के नीचे बनी हुई है और जिसके चलते अभी भी किसान परेशान है। अकोला अमरावती जिलों के कई तहसीलों के संपर्क अभी भी कटे हुए हैं, जिसके चलते यातायात पूरी तरह ठप है। नदियां उफान पर हैं और बारिश का यही पानी खेतों में घुस चुका है। किसान परेशान है क्योंकि उनकी पूरी फसल बाढ़ से तबाह हो गई। बुलढाणा में किसानों ने कई हेक्टेयर में सोयाबीन और कपास की फसल लगा रखी थी, अब ये सारी फसल डूब चुकी है। भी पूर्णा नदी की वजह से पूरा खेतों में भीगी हुई है और काश्तकारों का बहुत तरह से नुकसान हुआ है। अभी चार दिन से पानी चालू है और पूरे खेतों में पानी जाया हुआ है। बारिश के कारण महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 35,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। वहीं चंद्रपुर में 16,000 हेक्टेयर, बुलढाणा में 33,000 हेक्टेयर और अकोला में 35,000 हेक्टेयर में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूब गई। महाराष्ट्र के 28 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सरकार बजाय लोगों को इस संकट में निकालने के अपने सियासी खेल में लगी है। सियासत का ये खेल उसी मुंबई में खेला जा रहा है,
जहां बारिश में गड्ढों की भरमार है। बार बार हो रहे हादसों के बाद भी इन गड्ढों का कोई इलाज नहीं हो पाया, लेकिन बीएमसी ने इन दिनों एक नए अभियान में लगी है। यह अभियान है मुंबई के उन पेड़ों की पहचान करने का जो भारी बारिश में गिर जाते हैं, और कई बार इसकी वजह से लोगों की जान भी जा चुकी है। बरसात के मौसम में मुंबई वालों पर चौतरफा आफत गिरती है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो पिछले कुछ सालों की हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पेड़ गिरने की घटना कितनी भयावह हो सकती है। दो हजार सत्रह में मुंबई के चेंबूर इलाके में कंचन रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली, तभी एक भारी भरकम नारियल का पेड़ उनके ऊपर आ गिरा। कंचन की मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह इस वीडियो को देखिए जिसमें एक विशालकाय पेड़ गिर रहा है। यहां से गुजर रही महिला खतरे को भांपते हुए तुरंत भागती है, इसीलिए वो बच पाती है। मुंबई में हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसी से सबक लेते हुए अब बीएमसी ने एक नया अभियान शुरू किया। जिस तरह से बरसात से पहले मुंबई में जर्जर हो चुकी खतरनाक इमारतों की लिस्ट जारी होती है, उसी तरह अब बीएमसी ने शहर के कुल 5000 पेड़ों को खतरनाक घोषित किया है। लोगों को इस तरह की किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए बीएमसी ने मुंबई के हजारों पेड़ों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए। हाल ही में बीएमसी ने कुल 5000 पेड़ों को चिन्हित किया है, जहां बीएमसी की तरफ से नोटिस चिपकाकर लोगों को ये चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि बारिश के दिनों में इन पेड़ों के आसपास ना खड़े रहे, अन्यथा आपके जीवन को जो है वो धोखा हो सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के शिवाजी पार्क में, दादर का ये इलाका है, और इसी दादर इलाके में करीबन 15 से 20 पेड़ ऐसे हैं जिन पेड़ों पे इसी तरीके का नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, और ये हालांकि मराठी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में इसका स्पष्टीकरण आपको दे दूं। इस पे लिखा हुआ है कि धोखा यानी कि डेंजर, और स्पष्ट रूप से नीचे ये लिखा हुआ है कि बारिश और तेज हवा के दौरान आप पेड़ के नीचे ना खड़े रहे, ये जो पेड़ है वो खतरे के श्रेणी में है, ऐसे में कई किसी भी वक्त आपके जीवन को जो है वो खतरा हो सकता है। उनको भी जो जिम्मेदार हैं, और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। डेंजर है पेड़, वो देख के चुन के या सर्वे उसका करके वो गिराना चाहिए पहले से ही। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक के लिए मतलब मुंबई में बहुत मतलब जगह कम है, तो यहाँ पे लोग जो आते हैं जाते हैं उनके लिए तो मतलब कुछ वॉकिंग के लिए नहीं है जगह ज्यादा, तो बीएमसी ने मतलब ट्रिमिंग वगैरह करना चाहिए यहाँ पे। बारिश के मौसम में मुसीबतों से घिरी मुंबई में लोगों को पेड़ों की आफत से बचाने के लिए बीएमसी जैसे सक्रिय हुई, अगर वैसी ही तैयारी गड्ढों को भरने के लिए भी की गई होती तो शायद मुंबई के लोगों को सड़क पर निकलते हुए डर नहीं लगता। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में 100 करोड़ में मंत्री बनाने का खेल। चौंकिए मत, ऐसा सच में नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने यह कोशिश जरूर की कि सत्ता की उठापटक के खेल में वो अपना फायदा निकाल लें। महाराष्ट्र में फिलहाल दो लोगों की सरकार चल रही है, एक है मुख्यमंत्री शिंदे और दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल के दूसरे चेहरों का चुनाव होना अभी बाकी है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मुंबई में कुछ लोगों ने मंत्री बनाने का रैकेट शुरू कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये वही चार लोग हैं जो कुछ विधायकों से संपर्क कर उन्हें मंत्री बनाने की सौदेबाजी कर रहे थे। पुणे से बीजेपी विधायक राहुल कुल भी उनमें से एक हैं। राहुल के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके पीए से संपर्क किया
और महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए मांगे। ये जो मंत्री पद का ऑफर था, ये आपको एक फोन करके दिया जा रहा था कि मंत्री बनाएंगे आपको, और कितने पैसे मांग रहे थे? एक कोई आदमी है जिसको हम जानते नहीं, वो मुझे फोन कर रहा है और कुछ ऑफर कर रहा है, तो यही सब अचरज की बात थी और ये सब फेक काम है। ये पहले ही कॉल में हमने उसको जान लिया था, फिर समझ में आया कि कुछ अदर MLAs को भी वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं थी। हमने देवेंद्र जी को बताया इस तरह से कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने CP मुंबई और एडिशनल CP क्राइम, इनको इंस्ट्रक्शन दिया। उनका एक टीम हमारे साथ आई, हमने उस आदमी को होटल पे बुला के लिया, उसके साथ बातचीत किया, तो पुलिस ने उसी टाइम उसको अरेस्ट करके अभी उसका इंक्वायरी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी अब तक 3 विधायकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि उन्होंने और किन किन विधायकों से संपर्क किया और उन्हें क्या झांसा दिया। सभी कहना है कि सिर्फ एक विधायक नहीं, कई और विधायक भी थे संपर्क में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का कहना है सिर्फ एक विधायक के बारे में, एक विधायक के सचिव ने कंप्लेन किया हुआ है कि ऐसा करके किसी ने अप्रोच किया था। इस मामले में आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था, कितने दिन तक कस्टडी मिली? उनको 26 तक पुलिस कस्टडी मिली है, 26 जुलाई तक। हमारे साथ अजय दुबे थे जो बता रहे थे क्या ये पूरा मामला है, और जितने भी आरोपी उन्हें 26 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज मुंबई। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।